भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में खेले गए तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शमी इंग्लैंड के तीन खिलाड़ियों को आउट करने के साथ ही सबसे कम मैचों में 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अजीत अगरकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शमी ने 80 मैचों में 150 विकेट पूरे किए, जबकि अगरकर ने यह उपलब्धि 97 वनडे मैचों में हासिल की थी। ओवल में मोहम्मद शमी का जलवा रहा। उन्होंने 7 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने इंग्लैंड की पारी के दूसरे ओवर में बेन स्टोक्स को पवेलियन की राह दिखाकर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। स्टोक्स एक गेंद का सामना कर बिना कोई रन बनाए ही लौट गए। उनका कैच विकेट के पीछे पंत ने पकड़ा। वहीं शमी ने दूसरा विकेट जॉस बटलर का उस समय लिया जब बटलर इंग्लैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की राह पर चल पड़े थे। बटलर ने 32 गेंदों का सामना कर 30 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके भी जड़े। वहीं शमी ने तीसरा विकेट क्रेग ओवरटन का लेकर अपना वनडे में 151वां विकेट पूरा किया। ओवरटन 7 गेंदों का सामना कर 8 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके भी जड़े। शमी वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 150 विकेट झटकने के मामले में दुनिया में रशीद खान के साथ साझा रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। रशीद और मोहम्मद शमी ने 80 मैचों में अपने 150 विकेट पूरे किए हैं। वहीं वनडे में सबसे तेजी से 150 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के नाम दर्ज है। स्टार्क ने 77 मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी। वहीं सूची में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के मौजूदा कोच और पूर्व स्पिनर समलैन मुश्ताक हैं। समलैन ने 78 मैच में ये मुकाम हासिल किया था।